बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लड़कियों के लिए जो बड़े सपने देखती हैं, वो लड़कियां जो अलग अलग आज सिटीज से आई हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग हियर एंड ऑफकोर्स उन लोगों को आगे जाके एक सुपर मॉडल बनना है, एक एक्टर बनना है. सो आई फील वेरी गुड अबाउट सच इवेंट्स जो कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक बिग पिक्चर देते हैं टू सच ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस. एंड ऑफकोर्स व्हेन दे इनवाइटेड मी हियर मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मुझे एक्चुअली आई सी सम माय फेस इन दोज गर्ल्स हु हैव बिग ड्रीम्स बिकॉज इवन आई केम टू बॉम्बे विद बिग ड्रीम्स एंड टुडे आई एम ऑन लैडर क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ दैट. अवार्ड मेरे लिए कितना मायने रखता है? नॉट वेरी मच टू बी ऑनेस्ट. बहुत ज़्यादा मायने अवार्ड इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रॉफी होती है जो आपको मिलती है, बट बिग अवार्ड्स वही होते हैं जो एक्चुअली आप यू नो अपने आप को जब सक्सेसफुल देखता हुआ पाते हो ना, इवन यू सी योर सेल्फ जब मैं अपने एक्चुअली फैंस से सराउंड होती हूँ ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है. जब मैं कहीं जाती हूँ मैं फैंस दे रिकॉग्नाइज मी दे कम टू मी फॉर पिक्चर्स एंड ऑल दैट, दैट्स आई थिंक द बिगेस्ट अवार्ड. बट हाँ, जब अवार्ड मिलता है तो वो खुशी बिल्कुल होती है. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला. आज आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट एन अवार्ड. कोई रिजोल्यूशन नहीं न्यू ईयर का ब्रो, बिकॉज बहुत हर साल का जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन होते हैं ना वो पानी में जाते हैं, तेले में जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं न्यू ईयर में सोचूंगी कि मैं छोटे छोटे गोल्स बनाऊंगी और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आई विल डू ऑल द मेहनत. पर मैं कोई रिजोल्यूशन नहीं लूँगी क्योंकि मैंने आज तक वो रिजोल्यूशन जो भी उस पर टिकी नहीं रही हूँ मैं. तो मैं बहुत पलटू हूँ, वेरी फ्लिपी. ऑलराइट.